संपूर्ण देश ही नहीं, शिक्षा जगत में, संपूर्ण विश्व में, मैं तो कहूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि एक साथ 1,09,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक में हुई है महोदय। संघवाद, संप्रदायवाद, नफरतवाद को परोसना चाहते हैं महोदय। ये जो इनके पेट में दर्द हो रहा है यह स्वाभाविक है महोदय। पेट में दर्द काहे नहीं हो, जो 3% डिमांड था, ये लोग कहते हैं, हल्ला करते हैं, जुमला पढ़ते हैं, चाहे 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी का मामला हो, चाहे किसानों की आय को 22 तक दुगुनी करनी हो, पता नहीं 22 आया कि आने वाला है। बिहार सरकार ने संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय उपमुख्यमंत्री मिल गया है के नेतृत्व में, आप चेयर के आदमी नहीं है, आप लॉबी के आदमी की हासिल की है, उससे विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है महोदय। सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी, शिक्षा के प्रति जो समर्पण भाव था और उनकी जो उनका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जो ऐतिहासिक उपलब्धि हुई है आरक्षण के में 75% की उपलब्धि, मैं इसमें कहना चाहता हूं, राष्ट्रकवि दिनकर साहब ने कहा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। महोदय, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करना चाहिए विपक्षियों को महोदय, यह मील का पत्थर है। 1 लाख से ऊपर की बहाली, 1,09,744 शिक्षकों की एक साथ बहाली हुई है। मैं उम्मीद करता हूं संपूर्ण देश ही नहीं, शिक्षा जगत में, संपूर्ण विश्व में, मैं तो कहूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि एक साथ 1,09,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक में हुई है महोदय, और विश्वविद्यालय में हजारों नियुक्तियां होने वाली है महोदय। और विरोधी को इनको कुछ तो सूझता नहीं है, ये संघवाद, संप्रदायवाद, नफरतवाद को परोसना चाहते हैं महोदय। ये जो इनके पेट में दर्द हो रहा है यह स्वाभाविक है महोदय, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी उपलब्धि, सामाजिक न्याय के पक्ष में महात्मा फूले पेरियार अंबेडकर की श्रेणी में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नाम शुमार होगा महोदय, और इतिहास याद रखेगा महोदय। जब 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 तक यह दुनिया जिंदा रहेगी, जब तक धरती है, तब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम यहाँ इस विश्व के आकाश में तैरता रहेगा महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में एक कार्य नहीं हुए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं महोदय, ये अद्भुत कार्य हो रहे हैं। मसलन पिछले समय में जो निर्णय हुआ है, प्रखंड स्तर पर बाबा साहब अम्बेडकर आवासीय विद्यालय 720 बेड का बनना है महोदय। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी मील का पत्थर साबित होगा महोदय। बापू सभागार हो, अशोका कन्वेंशन हॉल हो, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी हो महोदय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारा तपोवन हो, नालंदा खुला विश्वविद्यालय हो, चीख चीख के कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई अमिट हस्ताक्षर है उसका नाम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है महोदय। मैं आपसे कहना चाहता हूँ महोदय, आपको यह जानकर, सदन को यह जानकर खुशी होगी कि आप बिहार सरकार ने एक साथ 20,000 बच्चों को एक साथ बैठने के लिए, परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन का निर्माण कराया है। 3 चरण में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक बनना है महोदय। एक साथ 30,000 लोगों को परीक्षा में बैठाने की कुवत बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग कर रही है महोदय। मैं आपसे कहना चाहता हूँ महोदय, यह शिक्षा भवन प्रत्येक जिला में बनाई जाएगी महोदय। प्रत्येक जिला का मतलब कि हमारे जो कई तरह के परीक्षा होते हैं, चुनाव होता है, पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो,
लोकसभा चुनाव, चुनावों में शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षण कार्य बाधित रहते हैं, उसके चलते बिहार सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है, प्रत्येक जिला में परीक्षा भवन बननी है। महोदय, इन लोगों के पेट में दर्द काहे नहीं हो? जो 3% डिमांड था, ये लोग कहते हैं, हल्ला करते हैं, जुमला पढ़ते हैं, चाहे 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी का मामला हो, चाहे किसानों की आय को 22 तक दुगुनी करनी हो, पता नहीं 22 आया कि आने वाला है, महोदय पता नहीं, इन लोगों को कितना पेट में दर्द होगा। सीमा सरहद के चौकसी का मामला हो, 1300 किलोमीटर अरुणाचल के डोकलाम में चीन ने अपना भूमि कब्जा कर लिया है, 56 इंची कहाँ है महोदय? 56 इंची देशवासी खोद रहे हैं, मिलने वाला नहीं है महोदय। सीमा सरहद का वही हाल, नौकरी बेरोजगारी का वही हाल, किसानों का वही बुरा हाल महोदय। सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी बेचने वाला, 2 आदमी खरीदने वाला, तरीपार संचालित कर रहे हैं, और अडानी अंबानी खरीद रहे हैं महोदय। 12 लाख करोड़ रुपया जो विलफुल वापसी हो सकती थी राशि, वह माफ किया गया महोदय। ऐसे तो लगभग 16 लाख करोड़ रुपया चंद मित्रों का माफ किया गया है महोदय। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को, जो हमारा अनुपूरक व्यय विवरणी है, जो हमारा प्रस्ताव है, सदन सर्वसम्मति से पास करेगा, फिर बिहार शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यह प्रस्ताव रखता हूँ, लिखित वक्तव्य जो है टेबल करता हूँ। मैं उम्मीद, मैं सदन से आग्रह करता हूँ टेबल कर दीजिए, पास करें।